हूँ। तो अभी बहरहाल वो लोग गए पेट्रोल भरवाने, अभी रुक नहीं, अबे ये रेटर ड्राइवर है, तो अभी वो लोग गए पेट्रोल भरवाने, अभी थोड़ी देर में पेट्रोल भरा के वो लोग आ जाए, फिर चलते लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग को फोटो क्लिक करना है। यहाँ पे इसमें भी कैमरा, उस वाले स्कूटी में भी कैमरा है, सब लोग तैयार हुए हैं, ये भी तैयार है, बस का ड्राइवर ठीक, ये तो अपना डायरेक्टर है, क्या कहते हैं कैमरा शूट करता है, तो चलो चलते हैं। हाथी की वजह से गाड़ी लोड नहीं ले पा रही है, कमजोर गाड़ी बेचारी चल रही है, कामर की हॉर्नेट वगैरह होती दिक्कत नहीं होती, तो अभी इसको चेंज करेंगे, दूसरे बंदे को बुलाएंगे। ए बाहर, और काफ़ी चीज़ें हैं ब्लॉग में जो मैं बताता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन वाली भी चीज़ें अभी कहीं और लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मेन जगह वहाँ पर भी चलेंगे। तुम ना इस वाली बाइक पर बैठो, वो बैठा है ना चला भागवा लेकर रही गाड़ी है कसम से। हम लोग कलो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू, चल भाई ये टाइम ना वेस्ट कर समझे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो ठीक है, भैया ने मना कर दिया, कोई बात नहीं बताएगा, हम लोग कलो आगे बढ़ गए, साथ रहे हो, चलो फिर चलते हैं। बता कब शाम से हद किए हैं, बता भाई ब्रेक के पैर लगाता है, ब्रेक के पैर रख के गाड़ी चला रहा, भाग ले रही, तभी मैं कह रहा हूँ कि भाग नहीं सिखा दी गाड़ी है, तो भाई इसे कह रहे ब्रेक के पैर रख के, तो ये कह रहे कि ये गिर गया है, मार दे साले का खोपड़ी तोड़ दे। येलो हो गया, देखिए तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपना जावेद भाई ना, अपना जावेद ब्रेकिया पे पैर रख के कादी गाड़िया कह रहे भक्ति। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और कहा जब 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 इनसे कहे ना कि बिरकिया हुआ है, भाई बिरका है वो का पता ही रह रहा, थोड़ा मोड़ा फोटो अच्छा आया है, बारी बारी करके सब फोटो खिंचा रहे हैं, पांच फोटो ये, पांच फोटो वो, पांच फोटो वो, मतलब बारी बारी करके सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, अपना जज्बा ही है, यो कार्ड देने वाला थी। टॉप 10 एग्जामिनर में से है जो एग्जाम देते नहीं है, क्या कहता है अरे का शर्मा रहे हो। अरे अपना जावेद भाई ब्रेक पे पैर रख के चलाता है गाड़ी, कहता भागती क्यों नहीं। अबे साले अरे बाप जाओ, का शर्मा रहे हो क्या, मन नहीं हो रहा तुम्हारी बात की अलग है। ये कौन सा कैमरा आयान, कैनन, निकॉन, निकॉन D3200, निकॉन D3200 अपने भाई का, और टैमरॉन का 70-300 mm का, और ये खिंचा रहे, ए मार्क्स लगा कौन, मतलब खिंचाए हट पता है, हरामी हो बेटा। अपना जावेद भाई ना, अपना जावेद भाई अलग पोज में चला, अभी आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहले से ही पोज सोच रहा है ताकि फोटो खिंचाने की मौका मिले, लेकिन ये हमेशा होता है, कभी भी ये फोटो खिंचाने आता है ना, इसका फोटो कभी खींचा नहीं जाता, हमेशा काम भाई, पहले टिकटॉक का एक, इसका टिकटॉक का अकाउंट था तभी इतना चमक रहा है, पहले लाली लिपस्टिक कर बात पे लगा था। लाली लिपस्टिक कर बात पे लगा था भाई, बस चल के दिखा गाली देख, ऐसे लतो मार के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, अल्लाह कसम खा दे तो फोटो खिंचाना पाइबे ते मरी मैं पता है ना कहाँ है, दिल टूट चुका है, दिल टूट चुका है, बेवफाई हो चुकी है भाई के साथ, अब ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी कब बनाएगा, ये अब देख सकते रो रहा है, मोबाइल भी फोटोज उसके स्क्रॉल कर रहा है खाली, बस और कुछ नहीं कर पा रहा है भाई, ब्लर कर देना अब अपना भाई, जज बनेगा एक दिन, केस आएगा तब ये तो बदला लेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पोज खड़े रहने वाला, रुको बता रहा हूँ, इसी के बीच में बैठो, इसी के बीच में यहाँ की जो लोकेशन थी यहाँ पे सब लोगों ने फोटो क्लिक कर लिया है, बस अब जा रहे फॉरेस्ट में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना, उनका घर भी वहीं पड़ता है पैतीपुर की तरफ ठीक, और अभी देखो मस्ती चल रही है, तो चलो फॉरेस्ट में चलते हैं उसको ब्लॉग लेके ठीक है।
नेक काम, नेक बंदा। नहाए लो है यार, बाबा भी पिएगा, पियोगे? भाई साहब कितना खूबसूरत बुला रहा है, कसम से। मेरा फोन डीएसएलआर है, डीएसएलआर दोनों लोग आ रहे ना, डीएसएलआर रहेगा। जब ब्लॉग आ जाएगा तब देखना। बेस्ट लोकेशन अभी शूट कर रहे हैं, अभी देखना तो और मजा आएगा। कैमरी कार पार दे वो चुपके से आराम से। तो अभी जावेद इस घर में जाएगा आराम से। चुप रहो आराम से जा ब्रो, एकदम आराम से जा, टेंशन फ्री होके। और जाके दरवाजा खटखटा देना, ठीक है? भगवा अबे ना है भगवा आ बाहर आ जा पार दिए तो प्लान कामयाब हुआ। क्या हुआ रही बता, पहले अपना अपना रिएक्शन दिखाओ। हुआ रहा सब बस बेटा, अलग तरह था, ट्राई किए कुछ अलग तरह, लेकिन मजा आएगा। अबे लगाओ बहुत सही, सबास अपना जावेद भाई कुतुब मीनार हाथ में लेता हुआ फोटो लेनी है, टेंशन ना लो कि तू अपना जावेद भाई कुतुब मीनार हाथ में ले चुका है। कभी भी आप लोग अगर चाहो तो हाथ में ले सकते हैं, लेकिन जावेद भाई से आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, ताकत उनके पास अंदरूनी ताकत है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? कितनी बात चलो। तो कुछ रील्स, कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किया हम लोगों ने, एक लोकेशन था यहाँ पे। उसके बाद अभी तो फॉरेस्ट में अभी तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन अब पहुंच रहे हैं। जो जो मस्ती किया होता था आप लोगों को दिखा दिया, मतलब ऐसे दिखाओ। हाँ ठीक है, ये कोई मतलब क्या कहते इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग नहीं, मतलब हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं दोस्तों के साथ, एक यादगार ब्लॉग या फिर वीडियोस रहनी चाहिए इंटरनेट पे, ताकि कुछ वक्त बाद वो लोग देखे तो याद आए। ठीक, तो अब चलते फॉरेस्ट। कीड़ा ना है वो कुछ है, कौन सी जगह है दानी सी? ये है जंगल, ये तो जंगल हम लोग बता, लेकिन कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन का? ये है अफ्रीकन जंगल। ठीक है, अब तो सर बोल दे भोसड़ी के। ये दोस्तों है घाटीपुरी जंगल, बहुत बड़ा जंगल है। चले जा भोसड़ी के। लोकेशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ से हम लोग जाएंगे, हम हो गए अरबाब यानी कि जज साहब हो गए और वकील साहब हो गए हैं। ठीक, ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, इसके साथ हम चलेंगे।
और ये हम खो चुके हैं न जाने कौन सी जगह, अफ्रीका के जंगलों में। और ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, धसता है तो कैप्टर धसता है तो बुखार चढ़ जाता है। ठीक, आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही जगरी पत्ती है। हमारे स्वामी जी बताएंगे आपको, ये इसको खाने पे पेट का दर्द भी सही हो जाता है लेकिन फिर इंसान बच नहीं पाता है। जी गजब टू भी आज आदमी हो जी गुरु जी। एंड डॉक्टर साहब आप क्या करना कहना चाहते हैं? कैमरा मैन, ये वो कल यहाँ पे शेर और शेरनी का कुछ सिस्टम हुआ है। जी जी सर, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जी चलिए। हाय फ्रेंड, मैं उसे चाहे आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको शेर। देखिए वो देखिए, इधर इधर कोई रास्ता नहीं है, वो देखो इसके पीछे ये छोटी सी नदी है। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अच्छा, कोई इंसान नहीं आता दोस्तों, दूर दूर तक का कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। आइए, हमारे दोस्त लोग खड़े हैं, ये मेरा बैग है, देखो कितनी शांति से आवाज आ रही है। आज इधर हम कैंप डालेंगे अपना। बड़े बदतमीज हो, इसकी बातों में मत आना। ठीक है, ये सस्ता ब्लॉगर है, अभी नया नया आया, ये सीख रहा है। अबे साले, यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े पानी वगैरह दिख रहे हैं ना, आप देख सकते हो। शायद मेरे जूते में धस गया, कुछ दर्द कर रहा है। इसके आगे शायद वो है पानी की, मतलब क्या कहते हैं जो बोलते हैं, नहर वगैरह है बोलते हैं। एक नंबर लोकेशन है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मैं ARF लूजर एक चैनल है उसे मैं वीडियो शूट करता था, पहले अभी बंद कर दिया हूँ। तो फ्यूचर में मैं वीडियो शूट करूंगा फॉरेस्ट वगैरह की, तो इसमें ही आकर शूट करूंगा। भले से पता लगे अभी जगह से ड्रोन होता मेरे पास तो और अच्छा व्यू आता और अच्छा लोकेशन दिखाता, मतलब देखने में मजा आता। अभी वैसे ही देखने में मुझे अच्छा लग रहा, कूल लग रहा। आने वाले कुछ सालों में या फिर एक साल बाद तो मुझे स्टार्ट करना होगा, उसको ये सब ये सारे चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, कुछ पैसे वगैरह आने लगेंगे। अभी देख रहे हो अपने भाई जब साहब काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो लोकेशन किसी तरीके का है। मजाक समझाता है। अबे वैस भाई हट जा यार, ब्लॉग में जाए बनाए तो जा। अरे बहुत हड्डी वाली, जल्दी लाओ लाओ वाला, लाओ ये वाला संभालते ना। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज देखी है जो थोड़ा डरावनी चीज है, अभी मैं इसको बड़े वाले कैमरे से शूट करके आपको दिखाता हूं। तो आधा सफर कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हो फॉरेस्ट को फोटो शूट चल रहा है। ठीक, बहुत ही अंदर आ चुके हम लोग बाइक से भी। यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर, रिवर क्या बोले इसको, तालाबी बोले हम। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा दिख रहा है, ये मधुमक्खी का छत्ता भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आप पहले इसको देखो, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत नजारा हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे। आना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना फालतू नहीं गया, मतलब काम की चीज है, आप लोग भी देख रहे हो। ठीक, हाँ ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं कहा हूँ, पसीने से एकदम हालत खराब हो चुकी है, गर्मी तेज हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा टाइप का है इसलिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तालाब है छोटा सा, आम का पेड़, आम तो निकला होगा ना यार, निकला पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आम है कि नहीं है, मुश्किल है कि यहाँ पे आम होगा ना। घर से हम लोग निकले थे शायद 12 बजे या फिर 11.30 बजे, 11.30 बजे के वक्त निकले थे हम लोग घर से, और अभी बज रही है 3:30 बज रही है अभी। इतना टाइम हम लोग स्पेंड किया कुछ वहाँ पे अटकापुर वाले रास्ते पे रुके थे, यहाँ पे रुके थे अकबरपुर में, जो भी रहते जो भी ये वाला ब्लॉग देख रहे हो ना, बहुत ही बेस्ट लोकेशन मुझे ये सबसे अच्छी लगी है, और इसी लोकेशन में मैं आने वाले वक्त में अपनी वीडियोस को शूट करूंगा, जिसको क्या कहते जो स्टोरी टाइप की मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, ड्रोन वगैरह तब तक मैं खरीद लूंगा। तब तक ब्लॉग के साथ बने रहो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आगे ऐसे बता दूंगा, वरना फिर ब्लॉग को वहीं खत्म कर देंगे। ओके जस साहब हो जाएगा, हाँ कोशिश की है पूरा अच्छे तरीके से शूट करने का, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दिखा देगा ना, आपको खत्म कर देंगे ना, लेकिन बेस्ट लोकेशन ये आने वाले वक्त में जो नहीं ऊंचाई रहेगा ना, जो एडवेंचर वीडियोस रहेंगी जैसे डॉन जॉम्बीज और कुछ कुछ हम लोग एडवेंचर वीडियोस क्रिएट कर सके ना, वो यहाँ पे बनाएंगे। तो यार भाई लोग बस आई होप हम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मजा आया, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस हम लोग थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहे थे इधर उधर का रास्ता देख रहे थे, लेकिन एक रास्ता मुझे ऐसा मिला जो आप देख सकते हो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, और आप लोग भी देख रहे हो क्वेश्चन पूछोगे किस जगह है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना ठीक, वैसे भी आप चलता रहा हूँ आप देख सकते हो ठीक। फिर कभी मैं आऊंगा इस लोकेशन पे ड्रोन के साथ आऊंगा, तब आपको एकदम ऊपर का व्यू दिखाऊंगा। तो ब्लॉग पसंद आया हो ब्लॉग को मार देना लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाय। तो गाड़ी का चैन टूट गया था, अभी हाथ देख रहे हो मेरा, वही मैं अभी भी बना पा रहा हूँ ठीक, अभी ये कंप्लीट चैन कवर वगैरह सब कुछ लगाएंगे, चला गो सॉरी सुन लगा।